मालदीव सरकार ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मंत्रियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सोशल मीडिया पर इनके पोस्ट के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव सरकार ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मंत्री मरियम शिउना, मालशाह और हसन जेहान को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले दिन में मालदीव सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया था, जिसमें मंत्रियों के बयान से दूरी बनाई गई थी। इसमें कहा गया था कि ये इन लोगों के निजी बयान हैं, जिसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। बता दें कि अपनी भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए ये मंत्री अपने ही देश में घिर गए थे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सोलही ने इन बयानों की आलोचना की थी। इब्राहिम मोहम्मद सोलही ने ट्वीट किया था कि मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ घृणास्पद भाषा के इस्तेमाल की निंदा करता हूँ। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हम इस तरह की कठोर टिप्पणियों को हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इन मंत्रियों के इस टिप्पणी के चलते भारत में बड़े पैमाने पर लोग नाराज हो गए थे। इसके बाद लोगों ने मालदीव की अपनी ट्रिप्स कैंसिल करनी शुरू कर दी थी। लोग इसका स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव भी ट्रेंड करने लगा था। इसके अलावा भारत में तमाम सेलिब्रिटीज ने भी मालदीव द्वारा की गई टिप्पणियों पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख मालदीव की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हुई, लेकिन चीजें हाथ से निकलती चली गई और आखिर मालदीव सरकार को अपने मंत्रियों पर एक्शन लेना ही पड़ा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस हफ्ते की शुरुआत में लक्षद्वीप का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने इस दौरे की तस्वीरें ट्वीट की थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों को लक्षद्वीप टूर के लिए प्रोत्साहित करते हुए लिखा था कि जो लोग रोमांच पसंद करते हैं उन्हें लक्षद्वीप आना चाहिए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में समुद्र में भी गोता लगाया था। उन्होंने लिखा था कि मैंने यहाँ स्नॉर्कलिंग भी की थी। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू की पार्टी के एक नेता ने ट्वीट किया था कि हमारे जैसी सुविधाएं कैसे दे पाओगे। उन्होंने ये भी लिखा था कि भारत में तो होटल्स के कमरों से बदबू आती रहती है।